मालवा की वैष्णो देवी के नाम से विश्व विख्यात माँ भादवा माता में नए वर्ष 2024 की शुरुआत कुछ खास अंदाज में होगी। आज की पीढ़ी का झुकाव सनातन धर्म की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर वर्ग नए साल की शुरुआत सनातन धर्म की गतिविधियों से जुड़कर करना चाहता है। आरोग्य धाम भादवा माता में नव वर्ष 1 जनवरी सोमवार को भक्तों का तांता लगेगा। वहीं भक्तों की सुविधा के लिए कलेक्टर दिनेश जैन व SDM डॉक्टर ममता खेड़े ने खास इंतजाम किए हैं। वहीं समाज सेवी अरुल अशोक अरोरा गंगानगर द्वारा माँ वैष्णो देवी की तर्ज पर माँ भादवा माता को भोग लगाया जाएगा और महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। नीमच जिले का अति प्राचीन और आरोग्य धाम चमत्कारिक मंदिर महामाया भादवा के दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं समाज सेवी अरुल अशोक गंगानगर ने गर्भगृह के सामने सभा मंडप सहित मंदिर का समस्त कार्य अपने हाथों में ले रखा है। मान्यता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं उसकी हर इच्छा माता रानी पूरी करती है। यही वजह है कि नववर्ष 2024 की शुरुआत भी हर युवा माता रानी के दर्शन से करना चाहते हैं। वहीं मंदिर समिति ने भी विशेष तैयारियां की है। आज सुबह से ही माता रानी के दर्शन का दौर शुरू हो जाएगा जो देर रात तक चलता रहेगा। समाज सेवी अरुल गंगानगर द्वारा नए वर्ष की शुरुआत के दिन माँ वैष्णो देवी की तर्ज पर माँ भादवा माता को विशेष भोग लगाया जाएगा। चना और हलवा की प्रसादी का वितरण सोमवार सुबह 10 बजे शुरू होगा जो दिन भर चलेगा। आपको बता दें कि बीते वर्ष 2023 में भादवा माता मास्टर प्लान में अचानक तेजी आई, मध्य प्रदेश शासन और समाज सेवी आगे आए और लगातार बैठकें हुई। दिव्य और अद्भुत मंदिर बनाने का काम वर्ष 2024 में तेजी के साथ किया जाएगा। माँ भादवा माता के भक्त अरुल अशोक अरोरा गंगानगर ने मंदिर परिसर का काम अपने हाथ में ले रखा है। वर्तमान में मंदिर निर्माण छत भरने की ओर अग्रसर है। समाज सेवी अरुल अशोक गंगानगर द्वारा माताजी की बावड़ी, शिव मंदिर, गर्भगृह, रंग मंडप, सभा मंडप, हवन कुंड, जरोखे, बावड़ी निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। कोशिश है कि सभी कार्य जल्द ही पूर्ण हो। छत भरने के बाद नक्काशी का काम शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ MP, नीमच।